केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात चार अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुडक्कई, चूरनमाला, अट्टामाला और नूल पूछा में घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। संसद सत्र के 7वें दिन मंगलवार 30 जुलाई को अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 30 जुलाई को बजट पर सांसदों के बीच पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा यूपीए सरकार में शुरू हुई थी। तब किसी ने नहीं पूछा कि बजट बनाने वाले अफसरों में एससी एसटी ओबीसी कितने हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 30 जुलाई को संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 5वां पूर्ण बजट पेश किया। इससे ध्वनिमत से पारित किया गया जम्मू कश्मीर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 1,18,390 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। बीते साल यह 1,18,500 करोड़ रुपए था। इस साल में 110 करोड़ की कमी आई है। राहुल गांधी 26 जुलाई को यूपी के सुल्तानपुर गए थे। यहां वे रास्ते में मोची की दुकान पर रुके और चप्पल और जूते की मरम्मत की। इस पर चप्पल की मुंह मांगी कीमत लगा रही है। हालांकि मोची रामचैत इसे बेचने को तैयार नहीं है। रामचैत ने बताया, चप्पल के लिए 1,00,000 रुपए तक के ऑफर मिले हैं। एक व्यक्ति ने तो फोन पर कहा कि झोले भर पैसे दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के विरोध में INDIA ब्लॉक के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना समेत देश के 19 राज्यों में धरना प्रदर्शन हुए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित मौजूद रही। पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया जारी है, जल्द ही नए नाम की घोषणा की जाएगी। योगी सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिरोध विधेयक सोमवार को सदन में रखा था। इसमें धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए सजा को सख्त किया गया है। मध्य प्रदेश में 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। यह निर्णय मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय भी लिया। दिल्ली का 30,000 कोर्ट में मंगलवार 30 जुलाई को स्वाति मालीवाल केस की सुनवाई हुई। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने 16 जुलाई को दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया और केस को डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए 24 अगस्त को लिस्ट कर लिया। 500 पन्नों को चार्जशीट में करीब 50 गवाहों के बयान हैं।